हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सिंह रोज और मेरे साथ हैं पवन सर और हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स गुरु नीति 25/33। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म और कोल मैग्नेटिज्म की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है जो सिंगल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो सर स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज एम, और इसको फिर हमने एक बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर मैग्नेट के फॉर्म में। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट थी, है ना, इसकी लेंथ कितनी थी 12, और इसके लिए पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं एम, और ये माइनस एम और ये प्लस एम। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है एम इंटू 12। अब इसी बार मैग्नेट को हमने ऐसे मोड़ के सेमी सर्कल बना दिया, तो जब हम इसका सेमी सर्कल बनाएंगे तो इस केस में जो पोल्स हैं इनके बीच का सेपरेशन, देखो लेंथ तो अभी भी उतनी रहेगी ना 12, तो 12 लेंथ तो उतनी है, लेकिन ये 12 लेंथ सर्कल के हिसाब से कितनी सर्कमफ्रेंस का आधा। तो अगर हम इसकी रेडियस को r मान लें तो सर्कमफ्रेंस होती है टोटल 2πr डिवाइड बाय 2 उसका आधा, और ये किसके बराबर है 12 के इक्वल। तो फाइनली मेरे पास r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2l/π। और फाइनली यहाँ पे जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन, जो डायरेक्ट सेपरेशन है, वो कितना है, तो यहाँ पर L डैश जो आएगा मेरे पास वो आएगा 2R, सो दिस इज 2L/12π। तो ये हो जाएगा 2 times of 12 by π। अब हम यहाँ पे M डैश नया मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालें तो m डैश को हमें लिखना पड़ेगा स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ अपॉन 4l/π। अब स्मॉल m की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे, m/12, तो ये हो जाएगा m/12 4l/π। तो l से l खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास 2m/π, सो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो सिंपल इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोल मैग्नेट बार मैग्नेट के लिए पोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का डायरेक्ट सेपरेशन। चलिए सर आगे, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट वन, द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग ए सूटेबल मैग्नेटिक मटेरियल एज ए कोर इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, जैसे ही अपन कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और सेंटेंस सेकंड जो है, सॉफ्ट आयरन हैज ए हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट ऑप्शन में, और स्टेटमेंट टू इज ट्रू बट ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सेकंड जो है वो है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड जो है वो है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बोला गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल आर एप्सिलॉन आर म्यू आर। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो कभी भी एक से कम नहीं होती है, हमेशा एक से ज्यादा होती है। तो अगर हम ऑप्शन क्रॉस चेक करें तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर आपको 0.5 गिवन है, जबकि एक से कम कभी नहीं होगा। ठीक है, एक होता है वैक्यूम के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं म्यू आर। म्यू आर तो एक से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। इन्होंने जो मटेरियल हमें दिया है वो दिया है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर होता है एक से कम, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। हाँ, अगर वो डाया के बजाय पैरामैग्नेटिक बोलते तो फिर अपना फर्स्ट ऑप्शन होता है ना। तो ये सिंपल सा है, तो काफी बेसिक नॉलेज आपको इसमें यूज करना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। यस सर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4, द कोएर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरोमैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड इज 3×10⁻³ एंड द करंट रिक्वायर्ड टू पास इन सोलेनोइड ऑफ ए लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न इज
100 so that the magnet get demagnetized when inside the solenoid is. देखो सोलेनोइड के अंदर अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड जो है B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई. यहाँ पे N जो है वो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको म्यू को इधर लेंगे तो B बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल N. कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ ऑफ सोलेनोइड इंटू आई हो जाएगा. ठीक है, इस B by mu note को हम रखेंगे replace कर सकते हैं magnetizing field H is equal to N by L into I हो जाएगा. तो यहां से I की value जो है वो क्या हो जाएगी H into L divide by N. तो देखो H की value कितनी given है हमारे पास permittivity 3 into 10 raised to power 3 into L की value कितनी हो जाएगी 10 centimeter given है तो 0.1 मीटर हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स इज 100. तो देखो ये एक पॉइंट है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा और ये पावर 2 100 से कैंसिल हो जाएगा कितना करंट आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर. तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपको एक तो एटम डेंसिटी गिवन है 10^28, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेंपरेचर 350 इज 2.8 × 10⁻⁴. तो उन्होंने पूछा है 300 केल्विन पे कितनी ससेप्टिबिलिटी होगी. अब देखिए ससेप्टिबिलिटी का टेंपरेचर डिपेंडेंसी जो आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वो आती है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में. ठीक है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी. तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी फर्स्ट टेम्परेचर पे इनटू T1 इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी सेकंड पर T2. अब हमें यहाँ पे T2 गिवन है, T1 गिवन है, ससेप्टिबिलिटी फर्स्ट गिवन और सेकंड आपसे पूछा है. तो सिंपल सा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा by T2. अब केवल आपको यहाँ पे डेटा पुट करना है. चलो डेटा पुट करते हैं 2.8 × 10⁻⁴ then T1 क्या हो जाएगा हमारे पास this is 350 T2 that is 300 तो 50 से कैंसिल आउट करते हैं 7 times ये हो जाएगा 6 times तो 7 × 8 = 56 5 तो 19 तो 19.6 डिवाइड बाय 6 10⁻⁴ और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 times कैंसिल आउट देन 1 तो 2 तो 4 6 6 6 एंड सो ऑन. तो फिर हम इसको और थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 3.267 लिख सकते हैं. तो 3.267 10⁻⁴ चल ही रहा हमारे साथ साथ में तो 10⁻⁴ तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. ओके बच्चों ठीक है सर, तो चलते हैं सर नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम. इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज टू ए सर्कुलर लूप इट कैरी द सेम करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर लूप विल बी. देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये एक स्क्वायर लूप है. ठीक है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है सपोज दैट आई. ठीक है, इसकी साइड सपोज दैट एल है और इसका एरिया अगर अपन बात करें इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो आई है. तो इसका एरिया जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर. तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए होता है. तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम जो होगा वो क्या हो जाएगा आई इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या किया सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया.
सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया तो इसकी रेडियस सपोज दैट है आर, ठीक है, तो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। ये 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट ही है, इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ साइड एल है तो 4L के इक्वल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L/π हो जाएगा। इसमें करंट जो है वो सेम रखा है आई, तो यहां पर देखा जाए तो अब इस कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम जो होगा वो क्या हो जाएगा आई इंटू एडेस हो जाएगा। अब एडेस जो है वो क्या है, लूप का एरिया हो जाएगा, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपन रख सकते हैं, आर की वैल्यू हम यहां से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L/π का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू ये पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 4L/π होगा, ठीक है, तो ये एम जो है वो सर्किल का है, सर्कुलर लो इज इक्वल टू 4IL/π। तो यहां पे देखो जो स्क्वायर था, स्क्वायर के लिए आई एल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एम गिवन थी, तो यहाँ पे आई एल स्क्वायर को एम से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 4M/π हो जाएगा। तो ये सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम डेस वो हमारे पास आया, इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते सेवंथ पे। इसमें आपको दिया मैग्नेटिक कंपास नीडल ऑसिलेट 30 टाइम्स पर मिनट। अब एक मिनट पर मिनट मतलब कि 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड में आपको दे में ऑसिलेशन 30, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो बेटा, एक ऑसिलेशन का टाइम यहां से आया मेरे पास t1 2 सेकंड, ओके। फिर एट अ प्लेस वेयर द डिप एंगल 45 गिवन है। अब देखो कंपास नीडल को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बोला आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको मूव करवाओगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास को रखेंगे तो उसको कौन सा कंपोनेंट जो है वो रोटेट करवाता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब यहां पे एंगल ऑफ डिप आपको 45 गिवन है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा B cos 45, ओके, ये फर्स्ट केस में। फिर दूसरे केस में बोला है कि 40 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ पर मिनट, तो 40 ऑसिलेशन के लिए 60 सेकंड लग रहे हैं, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए कितना लगा 1.5 सेकंड, तो यहां से आपके पास जो दूसरा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1.5 सेकंड। जब एंगल ऑफ डिप कितना है 30 डिग्री, तो दूसरे केस में ये BH1 बोल देते हैं और इधर हम बोल देते हैं BH2, ये हो जाएगा B cos 30, और T1 कितना है 2, T2 कितना है 1.5। अब आपसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके रेशियो बताओ, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2 हम मान लेते हैं। अब इस केस में टाइम पीरियड ऑसिलेशन टाइम पीरियड आप निकाल दो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P is 2π √i/mb। ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल जब ऑसिलेट करती है उसकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर और बी का मल्टीपल जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो आई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, इधर रूट बी लेके आओगे या पूरे का स्क्वायर कर दो तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी, बाकी सब कांस्टेंट है। तो हमें अब इन्होंने पूछा है B1/B2, तो B1/B2, अच्छा यहाँ पे जो B है वो कौन सा वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इसको ऑसिलेट करवा रहा है, तो B1 cos 45 और इधर आ जाएगा B2 cos 30, और T इनवर्स में जाएगा तो इधर हो जाएगा T2 square by T1 square। तो अब यहाँ पे आप डेटा पुट करोगे तो B1/B2 cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2 equals to T2 कितना आया था 1.5, मतलब कि 3/2 square upon 2 square। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो B1/B2 नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B1 by B2
इज 9/4 और 2 का स्क्वायर 4, इधर से रूट 3/2 इधर गया, रूट 3/2 इधर का 1/√2 नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 to 32, तो 9√6/32। तो अभी सॉल्व करने पे अपने पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.7 के आसपास। तो सॉल्व करने में अपना थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो एक से ज्यादा गिवन है, एक से ज्यादा आएगा नहीं, है ना। तो इस केस में आंसर तो अपना एक से कम ही बनेगा, तीन ऑप्शन तो कंफर्म गलत है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का भी टाइम नहीं लगेगा आपको, आपका आंसर बन जाएगा 0.7। ओके बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था, उसके बाद कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और करना चाहिए। ओके सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। द फिगर गिव एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेस एच वेरिएशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डेंसिटी, कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ मटेरियल। देखो हाइस्टेरिसिस कर्व जो है वो हमारे को गिवन है, तो हाइस्टेरिसिस कर्व को देख रहे हैं, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है उस कंडीशन में, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो ये तो हो गए ठीक है, और ये बी की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ पे देखो ये क्या हो गई है, सैचुरेट हो गई है। तो सैचुरेट जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, 1.5। इसके बाद में इसका वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका सैचुरेशन की वैल्यू जो हो गई वो तो कितनी हो गई, 1.5 ठीक है। और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं 1.5, और रिटेंटिविटी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या होता है, इसका डीमैग्नेटाइजेशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो इसके लिए बी की वैल्यू जीरो हो रही है, तो यहां पे सी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी ठीक है। माइनस ये जो बता रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है केवल, तो कोएर्सिविटी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा आंसर आर की वैल्यू 1.5 It is placed in uniform magnetic field B perpendicular to its plane. तो यहाँ पे जैसे हम एक लूप बना देते हैं, ओके? फिर यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और उसमें हमने एक लूप को प्लेस कर दिया। अब इस केस में वापस क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, तो क्वेश्चन में बोला है कि such that when rotated slightly about its diameter, तो जैसे मान लो ये कोई डायमीटर के अबाउट आप रोटेट करवाओगे, it starts performing simple harmonic motion of time period T. The mass of loop is m, then तो आपको यहाँ पे time period और given data का relation बताना है। तो again किसी भी loop के लिए जो magnet time period का formula होता है वो होता है 2π√i/mb, okay? अब यहाँ पे जब loop diameter के about rotate कर रहा है, तो जो हमारा rotational motion chapter था उसमें हमने moment of inertia निकाला था loop के, तो यहाँ पर जो आएगा moment of inertia, तो diameter के about कितना होता है, 1/2 m r² आर इसकी रेडियस मान लेते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज बी। बस अब इस चीज को आपको पूरे को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा इस 2 पाई को अंदर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 4π² हाफ अपनी जगह, तो देखो आर स्क्वायर कट जाएगा एक बार, तो हाफ अपनी जगह है एम, इधर है आई पाई बी, ओके। अब यहाँ कैंसिल आउट करें तो पाई से ये एक पाई कटेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2π m/√ में। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 2π m/IB, तो हमारा ऑप्शन बनेगा सेकंड। तो यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, इनर्शिया जो है आपको यहाँ पता होना चाहिए। ओके बच्चों चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फील्ड पैटर्न गिव बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हमको वो पैटर्न देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के लिए वैलिड है। तो देखो अगर अपन मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट का आइसोलेटेड पोल जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब माइनस एम अकेला पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर अपन बात करें प्लस एम, ये अकेला पॉसिबल नहीं है। बार मैग्नेट जो मिलेगा या मैग्नेट जो मिलेगा हमेशा डाइपोल की फॉर्म में, ठीक है। जबकि अगर अपन चार्ज की बात करें तो चार्ज है वो आइसोलेटेड, एकल चार्ज जो है वो पॉसिबल है। ऐसा ही अपन प्लस क्यू चार्ज, अकेला चार्ज भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां से देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन को देखो आप, इन दोनों के अंदर आइसोलेटेड जो पोल है उसके लिए फील्ड लाइंस का पैटर्न दिया हुआ है, तो इसके अंदर आइसोलेटेड पोल पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पैटर्न जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कभी नहीं आ सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऐसा पैटर्न मिल सकता है। अब चलो अपन नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड के अंदर अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा ऑप्टेन हो सकता है, किस कंडीशन में, अगर अपन एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करते हैं तो करंट कैरिंग वायर के लिए अगर देखा जाए तो इसके अलाउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न रहेगा वो इसके अराउंड सर्कुलर कंसेंट्रिक लूप की फॉर्म में मिलेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा पॉसिबल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ऑप्टेन नहीं होंगी, लेकिन अपने को ऐसा नहीं बोला है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में फील्ड लाइंस का पैटर्न अपने पास आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना फोर्थ थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है, दोनों फील्ड लाइंस के लिए ये सुटेबल है ये पैटर्न। अपन फोर्थ को और एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर देखा जाए तो देखो अगर यहां पर ये फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है इसका मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइंस भी एंटर कर रही है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी बात सही है, लेकिन देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस भी क्या होनी चाहिए थी, यहां पे एंटर करनी चाहिए थी, जबकि यहां पे क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है, तो यहां पे इसका मतलब तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये पैटर्न ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सही नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो अपना आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। तो अपने को केवल जो ध्यान रखने वाली बात यही थी कि मैग्नेट के अंदर हमेशा डाइपोल की फॉर्म में ही मिलेगा, सिंगल पोल जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी एक आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की उस पे बेस्ड है। हिस्टेरेसिस लूप फॉर टू मैग्नेटिक मटेरियल एंड वी आर गिवन। अब देखो ए में जो है ना रिटेंटिविटी अच्छी खासी दी गई आपको, है ना, इसकी रिटेंटिविटी कम गिवन है, ठीक है। और दूसरा जो ए वाला मटेरियल का जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो ज्यादा है, जबकि बी में एरिया कम है। एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इस मटेरियल को अगर आप मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, मतलब ये इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जबकि इसको आराम से इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इसको आराम से हम इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं बी मटेरियल को। तो मैंने बोला कि किस किस यूज में इसको ले सकते हैं, हमारे पास जो यूज गिवन है वो है परमानेंट मैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर। तो देखो ट्रांसफॉर्मर कोर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, अब ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है जो करंट की डायरेक्शन होती है बार बार चेंज होती है तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब उस कोर को इजीली मैग्नेटाइज होना भी चाहिए और डीमैग्नेटाइज भी फटाफट होना चाहिए। तो इसका मतलब कोर वाले जो मटेरियल है वो तो हम किससे बनाएंगे बी से, तो बी वाले मटेरियल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सही बात है, बी मटेरियल जो है वो सुटेबल है क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज भी होगा और डीमैग्नेटाइज भी होगा। साथ साथ हम बात करते हैं ए मटेरियल, ए मटेरियल जो है वो परमानेंट मैग्नेट के काम में ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, अगर आप इसको मैग्नेटाइज कर दोगे तो चाहे इनिशियली आपको एनर्जी खर्च करनी पड़े लेकिन अगर एक बार ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसमें रिटेंटिविटी भी अच्छी खासी और दूसरा ये आराम से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो हम ए को जो है वो परमानेंट मैग्नेट के तौर पर काम में ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको यहाँ ध्यान रखनी मटेरियल्स की, अपना ओके सर सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यदि मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन, बिल्कुल दो ऑप्शन यहां करेक्ट होंगे, ठीक है सर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ 0.16 टेस्ला एक्सपीरियंसेड टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.032 न्यूटन इनटू मीटर देन करेक्ट स्टेटमेंट इज देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने को चेक करना पड़ेगा और मोर देन वन चॉइस है तो अपन एक बार दोनों की सिचुएशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करते हैं। तो एक बार अपन डेटा रख लेते हैं, थीटा जो है इनिशियली वो क्या है 30 डिग्री है ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो 0.16 टेस्ला है और टॉर्क जो है टॉर्क इज इक्वल टू 0.032 न्यूटन इनटू मीटर गिवन है ठीक है। तो देखो थीटा पोजीशन पे जब कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो टॉर्क की एक्सर्ट होता है टॉर्क इज इक्वल टू वो क्या होता है एम बी साइन थीटा होता है, ये एम जो है वो कैपिटल एम है मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क की वैल्यू 0.032 गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास डायपोल है या बार मैग्नेट है उसका नहीं पता, बी हमारे पास गिवन है बी की वैल्यू है 0.16 इंटू थीटा पोजीशन क्या है 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री होता है ठीक है। तो यहां से ये 32/1000 इज इक्वल टू एम इंटू 16/100 इंटू 1/2 हो जाएगा ठीक है। ये 16 32 कैंसिल करेगा 2 हो जाएगा, ये 20 यहां से 20 से कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा एम की वैल्यू जो आएगी वो 0.4 आ जाएगी ठीक है सर। अब देखो अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो U इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एम बी कोस थीटा होता है, थीटा पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपने को चेक करना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा एफ नेट वो जीरो होगा और टॉ नेट जो है वो भी जीरो होगा। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, और अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उस रिजिड बॉडी को या बार मैग्नेट को अपन इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब नेट फोर्स तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जीरो अपन कंसीडर कर लेंगे लेकिन टॉर्क जो है वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसकी सिचुएशन अपने को देखनी पड़ेगी, पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क जीरो किस कंडीशन में होगा, देखो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है यहां पर यह जीरो कब होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी और 180 डिग्री होगी ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, दो पोजीशन हमारे पास निकल के आई, इक्विलिब्रियम एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो पोजीशन आई है 0 डिग्री और 180 डिग्री, अब इन ये दोनों पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम ठीक है। तो ये मिनिमम कब होगी, जब ये नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तो ये थीटा की वैल्यू जब जीरो अपन पुट करते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वन आएगी पॉजिटिव और ये माइनस तो माइनस एम बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थीटा इक्वल टू जीरो जो है वो कौन सा है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें बार मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहां पर जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो U रहेगा वो इस सिचुएशन में U क्या रहेगा मिनिमम रहेगा और इसमें क्या रहेगा U मैक्सिमम रहेगा अनस्टेबल के अंदर ठीक है। तो U मिनिमम जो होगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा माइनस एम बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एम की वैल्यू 0.4 इंटू बी की वैल्यू कितना है 0.16, ये कितना हो जाएगा 0.16 = -0.0
6, 4 ठीक है, ये जूल के अंदर अपना आंसर आएगा। तो ये मिनिमम है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यू मैक्सिमम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ यू मिनिमम के इक्वल रख सकते हैं अपन डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू माइनस, और ये माइनस पहले से है कितना 0.064, तो ये कितना हो जाएगा 0.064 जूल आंसर आ जाएगा। तो ये अनस्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये स्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो करेक्ट आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही है आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपन देखते ही इसको आंसर को गलत कर देंगे, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अपन थर्ड की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव में 0.064 आ रहा है, तो ये आंसर भी अपना करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ जो है उसके अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है वो डिफरेंट दे रखी है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो अपना आंसर फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब देखिए 13 में आपको एक शॉर्ट बार मैग्नेट गिवन है जिसकी एक्सिस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो मैं इस तरफ मान लेता हूं, तो बार मैग्नेट जो है वो इस तरह से है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर जो है वो इधर मान लेते हैं, और इनके बीच का एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री, और इट एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड टॉर्क दिस, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी साइन थीटा। तो टॉर्क आपको कितना गिवन है बेटा 0.032, एंड एम कितना गिवन है, एम तो हमें बताना है तो यहाँ पे एम लिख देते हैं, बी गिवन है आपको 0.16, एंड साइन थीटा इज 30, तो साइन 30 1/2, तो इससे आपके पास एम आ जाएगा 0.032 × 2/0.16। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर लो 64/160, तो ये हो जाएगा 16 से कटेगा 4 टाइम्स, इधर कटेगा 10 टाइम्स, ये आएगा 0.4। अब 0.4 तो हमारा आंसर, लेकिन हमें यहाँ पे इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 × 10⁻²। तो 10⁻² की जगह तो ये आ गया, n की जगह क्या आ रहा है, तो ये जो आ रहा है यही मेरा क्या हो जाएगा n की वैल्यू 40। तो ये अपना 40, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इंटीजर में आपको 40 वहां टिक करना है। ओके सर, ठीक है सर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ l कैरी अ करंट बेंट इनटू रेगुलर हेक्सागोन, इफ मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ ए वायर इज √3 l² / n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो ये एक कोई l लेंथ का वायर, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक रेगुलर हेक्सागोन समचतुर्भुज की फॉर्म में बेंड कर दिया, सपोज दैट रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड है वो क्या है, a है, तो ये टोटल लेंथ जो है वो l किसके इक्वल हो जाएगी, l इज इक्वल टू हो जाएगा 6a के इक्वल, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l/6 हो जाएगा। अब इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये करंट कैरिंग लूप है, ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है उसके लिए अपने को रिक्वायर्ड होगा इसका एरिया, जो आई इंटू ए होता है, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई हमारे को गिवन है, आई एक अपने को कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां पर देखा जाए तो ये ए है और ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है,
अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया अगर कैलकुलेट कर और उसके बाद में अगर देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर अपन डायरेक्टली बात करें तो रेगुलर हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला जो है वो 3 √3 a² / 2 डायरेक्टली भी अपन पुट कर सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो ये देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आया, इसकी साइड है ए, तो ये हाइट जो है वो h, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 a हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 base into height। ये फॉर्मूला हम लगा 1/2 into base कितना है a into height √3 a/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? √3 a² / 4 हो गया। अब रेगुलर हेक्सागोन का देखना है तो यहां पे ये कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं? यहां पे 6 बन रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 into area of equilateral triangle 6 into √3 a² / 4 ये 4 ये 3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना हो जाएगा? 3 √3 a² / 2 हो जाएगा। ये अपन डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 √3 a की वैल्यू अपने को और एलिमिनेट करनी पड़ेगी, 3 a² / 2 into y ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर अपन l/6 पुट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 √3 into i l² / 36 into 2 3 से ये कैंसिल कर देंगे 12 में, ये क्या जाएगा? 24 √3 l² i/24। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है √3 i l² / n दे रखा है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो कितना आएगी? n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 24। तो ये इंटीजर टाइप का अपना क्वेश्चन था, इसमें जो आंसर है वो अपना 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो बच्चों 15 क्वेश्चन में आपको कंपास नीडल गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट, अगेन ये मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, एट अ सर्टेन प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 40 माइक्रो टेस्ला एंड एक्सपीरियंस इट ऑल। तो अगेन वापस अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है। अब इसमें जो आपको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो यहाँ पे जो बी गिवन आपको बी एच वो यहाँ पे, और ये एंगल फाई जो है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इन्होंने बोला है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस हुआ था, टॉर्क हो जाएगा हमारे पास एम क्रॉस बी, तो वैल्यू वाइज अगर बात करें तो ये हो जाएगा बी एम साइन फाई। अब यहाँ टॉर्क आपको गिवन है 1.2 × 10⁻³। बी बी कितना गिवन आपको? बी गिवन आपको ये बी एच आपको बताना है। एम कितना गिवन है? 60 एम्पीयर × मीटर² एंड आपको यहाँ पर साइन फाइव, तो साइन फाइव आपको एंगल गिवन है, दैट एंगल इज, तो ये एंगल आपको बताना, और बी एच आपको गिवन है 40 माइक्रो टेस्ला। ओके तो 40 × 10⁻⁶ ये भी आपको गिवन है। तो अब इस केस में आपके पास साइन फाइव, फाइव एक नॉन पैरामीटर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻³ डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2400 और 10⁻⁶ इक्वल्स टू साइन फाइव। तो यहाँ पर अगर आप इस पावर को ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगी और 3 की वजह से आ जाएगा 1200, तो ये आएगा 1200/2400 सॉल्व करने पाएगा 1/2। अब साइन फाइव 1/2 कब होता है? ये होता है 30 डिग्री पे, तो फाई जो होगा एंगल जो डिग्री में आपसे पूछा गया था वो आएगा 30 डिग्री, तो आपका जो इंटीजर वाला आंसर हो जाएगा दैट विल बी
30. तो यहाँ का आपका आंसर हो जाएगा 30. ओके बच्चों. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. द डीप सर्किल इज सेट एट 45 टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. Then the apparent dip is 30 degree. If a true dip angle is theta is equal to tan inverse 1 by root n, then find the value of n. N की value अपने को बता देंगे, ठीक है? तो suppose that vertical component जो है वो है BB और magnetic meridian के अंदर जो horizontal component है वो है BH, ठीक है? अब magnetic meridian के साथ में अपन ने dip circle जो है वो 45 पे रखा है. तो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बी एच डी जो होगा वो कितना हो जाएगा बी एच इंटू कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है तो बी एच डी जो होगा वो हो जाएगा बी एच ए बाई रूट 2, ठीक है? डिप एंगल जो होता है वो एक्चुअल डिप मान लो डेल है तो टेन डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वी एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट और एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? अब देखो अपीरेंट डिप एंगल सपोज दैट डेल डेस है तो टेन डेल डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा उस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है डिप सर्किल के अंदर ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच डी सा पढ़ लेंगे. तो टेन डेल डेस इज इक्वल टू ये बी वी बाई बी एच बाई रूट टू है रूट टू ऊपर आ जाए तो यहां से बी वी बाई बी एच को हम क्या रूट टू सॉरी ये रूट टू है यहाँ पे BV by BH को हम apparent angle del की फॉर्म में 10 del L रख सकते हैं. तो 10 del D is equal to 10 del into root 2 हो जाएगा, ठीक है? del D की apparent जो dip angle है वो कितना 30 degree दे रखा है तो 10 30 की वैल्यू 1 by root 3 into ये root 2 नीचे आएगा ये root 2 is equal to 10 del ये 1 by root 6 हो जाएगा. तो डेल जो एक्चुअल डिप एंगल है वो क्या हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 by root 6, ठीक है? तो इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू जो है यहां से क्या आ रही है 6 आ रही है. n की वैल्यू 6 आ रही है. हमारा ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो अपना आंसर जो रहेगा डियर वो क्या रहेगा 6 रहेगा. तो ये हमारा मैग्नेटिज्म का गुरुनीति था, ये अपन ने डिस्कस किया. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट गुरुनीति के अंदर. थैंक यू. ओके बच्चों थैंक यू.